दोनों के मिश्रण से उत्पन्न होता है पित्त दोष, जिसमें कि चाय, कॉफी, अचार या ऐसे नशीले पदार्थ जो कि हमारे शरीर को नुकसान करें, वो पित्त दोष बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं और इनके शरीर पर दुष्परिणाम यानी बहुत दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे जलन होना या एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब पित्त दोष में आएंगे। उल्टी होना, दस्त होना, और उनके निवारण के लिए भी हमारे पास किचन में मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। क्या करना है पित्त दोष में? पित्त को याद रखने के लिए सिंपल सी चीज है, मान लीजिए एसिडिटी यानी जलन होना। तो दोषो इस दोष के कारण क्या है पित्त दोष के? वो है गलत आहार, आहार शक्कर अधिक लेना, नमक लेना, मिर्च लेना, मसाले लेना, नशीली वस्तुएं एवं अधिक दवाइयों का प्रयोग करना भी कहीं ना कहीं पित्त दोष को उत्पन्न करने में मददगार होता है। हमको क्या करना है? हमको इनके लक्षण जानने हैं और इनके उपचार करने हैं। साथ ही साथ अशुभ चिंतन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पित्त दोष में। तो उसमें मान लीजिए अशुभ चिंतन में जैसे कभी शोक हुआ, गम हो गया, भय हो गया, डर लग गया किसी चीज से, या चिंता किसी चीज की आ गई, मानसिक तनाव लेना चालू कर दिया, अशुभ चिंतन किया, भावनात्मक हो गए, गलत विचार, नेगेटिविटी के विचार आने लगे, तो उससे क्या है कि हमारे शरीर पर प्रभाव दिखना चालू हो जाता है, एसिड सीक्रेशन होना चालू हो जाता है, सिंपेथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि शरीर को कहीं ना कहीं नष्ट करते जाएंगे, जैसे ही अधिक मात्रा में एसिडिक पीएच होता जाएगा। इनके लक्षण क्या होंगे? पेट के रोग होंगे, छाले होंगे, जलन होगी, उल्टी होगी, कब्ज होगी, दस्त लगेंगे, ये सब बीमारियां होंगी। खट्टी डकारे आना, मुंह में कड़वापन लगना, या रक्त के रोग होंगे, चर्म रोग होंगे, खुजली होगी, फोड़ा फुंसी होगा, कुष्ठ के रोग होंगे, सूजन आएगी, बुखार होगा, किसी भी प्रकार के बुखार जो है वो पित्त दोष की बीमारियां आती हैं उसमें ही होता है। हृदय रोग इसी में आता है। उसके बाद लिवर की डिजीजेस जो है वो भी इसी के अंदर लिया गया है, क्योंकि पित्त बढ़ने से ही जो है बाइल, अधिक ज्यादा बाइल सिक्रीशन भी होता है, जिससे कि लिवर गॉल ब्लैडर के डिजीजेस भी इसके अंदर आती हैं। डायबिटीज भी पित्त दोष के अंदर ही आता है। अब ये तो हो गए इनके लक्षण, जो बीमारियां इनसे हुई हैं। अब इनको ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको घर में कैसे ठीक करें। एक बार आपने इनके कारण आइडेंटिफाई कर लिए, इनके लक्षण पता चल गए, अब हो गया इनके उपचार का तरीका। उसके लिए आपको फलों का अथवा सब्जियों का रस लेना होगा। अब इसमें अधिक से अधिक मात्रा आपको एलिमिनेटिव डाइट की देनी है, मतलब जूसेस की देनी है। जहां पर आप अधिक मात्रा में जूसेस देंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपनी एसिडिटी को कम कर रहे हैं। उसके बाद आत्मविश्वास होना चाहिए और प्रार्थना का नियम भी रखना होगा, शुभ चिंतन करना होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा एसिडिटी बढ़ने का एक और कारण जो है वो अशुभ चिंतन है, तो अशुभ चिंतन को दूर करना होगा। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आप मिर्च मसाले वाला तड़के वाला खाना खा रहे हैं तो उससे एसिडिटी हो रहा है। एसिडिटी हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, एंटासिड दिया, आपने वो एंटासिड खाया, आपकी एसिडिटी उतर गई। फिर दूसरे दिन आपने वही एसिडिक खाना खाया, मिर्च मसाले वाला खाना खाया, फिर एसिडिटी हुई, फिर एंटासिड लिया, फिर आराम हो गया। ऐसा निरंतर चलता रहेगा। एक दिन वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दिन अल्सर के बाद एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? उसका जो कारण है एसिडिटी का वो है मिर्च मसाले। तो आपको सबसे पहले तो मिर्च मसाले बंद करने होंगे। आप जैसे ही मिर्च मसाले बंद करेंगे, आपका एसिडिक पीएच जो है वो अल्कलाइन की तरफ न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाएगा और एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी नहीं होगी तो उसके लिए आप एंटासिड नहीं लेंगे। जब दवाई नहीं लेंगे तो आपकी बीमारी आराम से ही घर में ही ठीक हो सकती है। केवल आपको आत्मविश्वास रखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, यही आज का नारा है, आत्मनिर्भर भारत,
स्वास्थ्य स्वावलंबी होना। मैं किसी दिन विस्तार से इस विषय पे आपके सामने आऊंगा। जहां पर आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, वैसे ही स्वास्थ्य स्वालंब होना, स्वास्थ्य स्वावलंबी होना, ये भी हमारा अधिकार है। हम क्यों स्वास्थ्य स्वावलंबी नहीं हो सकते? हम बिल्कुल हो सकते हैं, केवल अगर ज्ञान रखेंगे तो। ज्ञान बहुत जरूरी है हर चीज का। अगर हमको ज्ञान हो जाएगा, वही अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, अस्तो मा सद्गमया, अंधकार से उजाले की तरफ जाना, यही तो असली नॉलेज है। तो आपको प्राकृतिक उपचार क्या करना है? वात दोष को बैलेंस करने के लिए फलों का अधिक सेवन करना है, सब्जियों का अधिक सेवन करना है। जितना फलों का और सब्जियों का सेवन करेंगे, उतना आपका गैस्ट्रिक पीएच न्यूट्रलाइज रहेगा, आपकी शरीर में पीएच बैलेंस रहेगा। और इसके लिए आपको सब्जियों का जूस या फ्रूट जूस, ये आपको लेने होंगे। आत्मविश्वास रखेंगे तो पूर्ण रूप से आप इससे बच सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो एसिडिटी से हम बच सकते हैं। तो उसमें गाय के फटे दूध का, मतलब गाय के दूध का, दूध फाड़ के फटे दूध का पानी अगर आप लेते हैं, तो बहुत ही आपको लाभदायक मेडिसिन है ये। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, हर एक वीडियो में आपको ये बताया है कि फटे दूध का पानी, चाहे बुखार हो, चाहे लिवर की डिजीजेस हो, बहुत इफेक्टिव है। बताने का मतलब, बनाने का उसका जो तरीका है, बहुत आसान है। कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है उसको बनाने के लिए। करना क्या है, आपको एक दूध, पाव भर दूध लेना है, तपेले में डाल के गैस पे आप रखिए, उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। 2 या 3 ड्रॉप्स आप नींबू के उसमें डालेंगे तो दूध फट जाएगा। पनीर का भाग जो है उसको अलग कर दीजिए, उसका जो पानी है वो आप 1 कप में ले लीजिए। आप 1 कप एक दिन में लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। इसमें बुखार हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो, इन सब चीजों में आपको सबसे उपयोगी फटे दूध का पानी रहेगा। ये आपको लेना है। अनार का रस आपको लेना है, मौसमी का रस आपको लेना है, पत्ता गोभी का रस जो है वो आपके एसिडिटी को कम करेगा। ध्यान रखिएगा, पत्ता गोभी खानी नहीं है। अगर खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, अगर अल्सर है तो, और अगर एसिडिटी है तो भी आपको वो नुकसान करेगा, पर उसका रस जो है वो आपको लाभदायक रहेगा, क्योंकि उसमें विटामिन के है, तो वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। सब्जियों के जूस में कुछ मात्रा का अगर आप लहसुन मिला के आप लेंगे, तो वो आपके खून को पतला करने के लिए भी मददगार रहेगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप बार्ले वाटर, मतलब धीरे धीरे आप अपनी जूसेस से आप बार्ले वाटर पे भी आ सकते हैं। बार्ले वाटर बहुत ही अच्छा उपयोगी पानी माना गया है पित्त दोष को कम करने के लिए। तो ये चीजें आपको अपनानी होंगी, और ये चीजों, इन चीजों के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके किचन में ये सब चीजें अवेलेबल हैं, और हर एक, कोई महंगी चीजें नहीं है कि ऐसे लाखों रुपए में आ रही है, नहीं, ये घर की औषधियां हैं। और आप इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हमने इसका प्रयोग करके देखा है, जब स्वयं अनुभव किया है तभी हम आपको बता रहे हैं। और हमने तो खुद पे प्रयोग किया है, साथ ही साथ हमारे जो अस्पताल में मरीज आते हैं उनको हम यही चिकित्सा उनको सिखा देते हैं, ताकि घर पे जाके क्यों किसी के ऊपर निर्भरता रहे, क्यों ना इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य में भी हो सकते हैं। और जब एक बार आप ये घर पे करना सीख जाएंगे, विश्वास मानिए, आपको दोबारा आप बीमार नहीं होंगे, और आपको किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब किचन ही आपका औषधालय बन जाएगा। तो त्याग करने वाली चीजें जो हैं, क्योंकि देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में त्याग बहुत आवश्यक है। आप बिना त्याग के सोचें कि उपचार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको किसी ना किसी चीज का त्याग जरूर करना होगा। अगर एसिडिटी है तो मिर्च मसालों का त्याग करना होगा, पके हुए खाने का त्याग करना होगा, उबली सब्जियों को लेना होगा, या फलों का और सब्जियों के रस पे आना होगा। त्याग किस चीज का कर रहे हैं? जो गरिष्ठ भोजन है, जो स्वादिष्ट भोजन है, जो आपको ललचाता है, उन चीजों से आपको त्याग करना है। अपनाना किसको है? कहते हैं
जैसे जैसे आप परिवर्तन की राह पर चलेंगे तो वो आपकी दिनचर्या जो है आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी, आपकी आपकी जो दिनचर्या है वो लाइफस्टाइल बन जाएगी। और जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ जीवन शैली हो जाएगी, तो आप विश्वास मानिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए आप कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। अपनाना होगा, उसके लिए सुबह को जल्दी भी उठना होगा, व्यायाम भी करना होगा, आराम भी करना होगा, संतुलन भी रखना होगा, अच्छा नरिशमेंट भोजन भी करना होगा। ये सब चीजें करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ होने से आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। तो त्याग किस चीज का करना है? पक्व आहार का त्याग करना होगा जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अनाज, दालें, नमकीन, मिठाइयाँ, अंडे, मांसाहार, इन सभी चीजों का त्याग करना होगा। और सबसे डिफिकल्ट त्याग जो है वो चाय की आदत का त्याग करना होगा। चाय छोड़ देंगे तो आधे से ज्यादा, 80% मैं आपको बोल रहा हूँ, 80% आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। केवल एक चाय ही है जो एग्रीवेट कर देती है, एसिडिक पीएच बढ़ जाता है जिससे। चाहे कॉफी हो, चाहे चाय हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, इन चीजों से त्याग करना होगा। जब इन चीजों का त्याग करेंगे तो आपको स्वास्थ्य अवश्य मिलेगा और आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं।